भी हमसे जीता नहीं है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। हेलो। तबाल हुदा। हाँ, अबू माविया बोल वालेकुम रहे हैं। सलाम। हाँ जी बोलो। अब कौन से मसले से ताल्लुक रखते हैं आप? भैया फोन किसे किया, क्या कर रहे हैं, बोलो। हाँ आपको ही फोन किया है मैंने। आपकी एक रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने यूट्यूब पर। जी, आगे बोलो। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से मसले से ताल्लुक रखते हैं? खाने पी हूँ हनफी हो तो देवबंदी हो, कौन हो, या अहले हदीस हो? हनफी, एल एजीस नहीं होता है। आपको तो आप कौन हो? क्या मसला है, आप वो बताएं, आपसे बात करनी है मुझे। क्या बात करनी अरे, आप मसलक बता दो, क्यों डर रहे हो इतना? भाई। बात करनी है ना, वो बोलो। हाँ, बात करनी है तो आपको पहले मसलक मालूम तो है बताओ मैं अब किस ना। मसलक, आप अपना आपको मसलक मालूम बताओ है ना। मैं मसलक किस। बताते हो, क्यों डरते हो इतना? अरे भैया क्या बोल रहे हो, झूठ ही अभी बोल रहे हो, स्टार्ट में ही झूठ। अभी बताया ना हनफी मसलक से हूँ। अरे, हनफी में बरेलवी अपन दूसरी आपको बात, हनफी दूसरी कहते हैं, बात देवबंदी भी कहते हैं। कौन मेरी से बात कौन सुनो। से मसलक में हो तुम? अरे भाई, कोई कोई सुनी नहीं है वहां पे। जिसको सुनी कहते हैं वो धोखा है, शैतानी फिरका है वो, अच्छा, देवबंदी सुन शैतानी इबलीस का फिरका है, फिरका है वो, देवबंदी इब्लीस वाला दज्जाली फिरका है। फिरका है। और सुनो, अरे, जाली फिरका है और देवबंदी। सुना भैया, 1857 से मतलब पैदा हुए ना मेरी, ये। सही कह रहे हो आप, ये एक मिनट आपने बोल सही रहा कहा, हूँ, ये अठारह इसलिए सौ सत्तावन वाली। में पैदा हुए, जब अरे से तकवियतुल ईमान लिखी गई है तब से पैदा हुए ये। अरे, वाकई में रुको शैतानी रुको फिरका है, रुको शैतानी रुको, आप तो फिरका आपसे है ये। लगी, मैंने कहा न शैतान शैतानी बिल्कुल फिरका है है वाकई वो, में, इब्लीस शैतान वाला फिरका है। अब फिरका। आगे क्यों लग रही है आपके, आग क्यों लगी आपके? अरे अब जब मैं देवबंदी को सुनो कह रहा हूँ, जो आप सुनो, कह रहे हो कि देवबंदी शैतानी फिरका है, तो आप मानते क्यों नहीं इस बात को आप? आपके कानों में ना बड़ी बीमारी लगी है, तो इबलास की, इबलीस की आगे औलाद भी हो सुनो। ना तुम। कितने अरे गंदे भाई, मसलक में पहले पलते हो मेरी बात देवबंदी हो, सुनो। तुम अपना मसलक बताते हो, घबराते हो। कितना गंदा मसलक है तुम्हारा। मैंने खाली एक लफ्ज बोला, कितनी आग लगी। मुझे लगता है हम ब्रदर तुम्हारे हम आग लग पति गई। का अरे, जब पति मैं, आग तुमने कहा आग कि ये लगी। देवबंदी शैतानी फिरका है, इबलीसी फिरका है, मैंने गंदा कहा फिरका है, अहमद मैंने रजा कहा ठीक खान है, मैंने साहब दोहरा तक, दिया वो। तो आपके आग क्यों लग रही है? मैंने कहा अहमद रजा खान साहब तक जल उठे, एक ही अहमद लफ्ज रजा थे खान, शैतानी फिरके थे। अहमद रजा खान फाजिल जल रहे बरेलवी हो, रहमतुल्लाह जल रहे ताला अलैह हो, को तुम्हारे जल अकाबिरों रहे ने हो, मुसलमान माना है, जल वो रहे मुजद्दिद हो, माना है। जल रहे क्या हो, कहोगे आप उनका, मर कुफर का रहे फतवा हो, लगाओगे? मर रहे हो, अरे, जमीन में दस रहे हो, लानती हो। अरे, आगे बोलो, आगे लानती तो बोलो, तुम किस हो, मसले कितने पे, किस बड़े मसले पे बात खामड़ करनी हो है। तुम, कितने मैं बड़े साबित तोहीन करूंगा ना, वाले पर हो आप तुम, सुनो। और कितने डरते हो कि अपना मसलक बता दो, नहीं डरते? मैं मोहम्मद ताहिर मैंने रजा बता कादरी बोल रहा हूँ, दिया। सुन्नी हनफी बरेलवी। तुम कौन अरे हो, सुनी कौन हो हनफी बताओ? बरेलवी, जाने हाँ, लिटिल मैं सिंह, बरेलवी जाने हूँ। मी, हाँ जाने मी कुत्ता। आगे जहन्नमी बोलो। तो तुम अरे हो। अब तुम मुझे ये बतलाओ, वो तुमने उस कभी दिन जो साबित अशरफ करूंगा, थानवी की कभी किताब साबित को, करूंगा, रशीद अहमद गंगोई की कभी किताब साबित को, करूंगा, अभी और साबित अपने मौलाना करूंगा, जकरिया की किताब को कभी सबको इनकार साबित कर दिया करूंगा तुमने, मैं। तो सब ये ये जहन्नमी कुरान थे। के, अरे, एक मिनट बात करो रुको, मुझसे, मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। तुमने तुमने बात जो बता। उनसे, हमारे शेख जलालुद्दीन चिश्ती से, तुमने सब किताबों का इनकार कर दिया। थानवी किताब का इनकार कर दिया, गंगोई की किताब का जलालुद्दीन इनकार तो कर भाग दिया, गया, जलालुद्दीन जकरिया की भाग किताब गया, का इनकार। अरे, मैं बात जलालुद्दीन कर तो भाग रहा हूँ गया। तुमसे, मुझसे बात, मेरी बात का जवाब दो। तो क्या ये सब लानती सुनो थे, ये सुनो किताबें जो लिखी सुनो इन्होंने सब सुनो लानती थे, ये इन किताबों को सुनो नहीं मानते सुनो, आप? जलालुद्दीन भाग गया, मैदान छोड़ अरे, के भाग गया, तुम्हारी मैं बात मार कर तो रहा हूँ, खाना मेरी के बात का चला जवाब गया। दो। मेरी बात का भागा कौन मैं है, वो जो तो कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग सुन ली उसके मैंने, जवाब दो ना, वो रिकॉर्डिंग सुन ली उसके मैंने। जवाब दो ना। मुझे इस बात का जलालुद्दीन जवाब भाग दो, गया, जो क्यों भाग तुमने गया, जलालुद्दीन चिश्ती से अपने जलालुद्दीन भाग अकाबिरों की गया। किताबों का इनकार किया है, और तुमने ये कहा कि ये नहीं सब किया जाली है, किताबें तुमने लिखी नहीं हैं, किया तो है, उन किताबें नहीं लिखने किया वाले है, को कहो नहीं काफिर थे किया वो, है, ये कहोगे वो काफिर थे नहीं जिन्होंने वो किया है। किताबें अहमद लिखी, और जिन्होंने ऐसे अकीदे रखे रजा वो तो भी काफिर थे, पक्का कहो काफिर, अहमद कहो कहो। रजा तो पक्का अरे, आप अपनी काफिर है, किताबों का इनकार कर रहे हो। देखिए सामीन हजरात, इन्होंने अपनी मैं कह किताबों रहा का, हूँ। थानवी किताबों का, इमदादुल मुश्ताक थानवी पागल किताब नहीं है? हो गया, अरे, पागल इमदादुल हो गया, मुश्ताक थानवी बेचारा किताब नहीं मेरे है? एक अरे लफ्ज से पागल पागल साहब, हो बात गया, सुनो पागल मेरी, हो गया, इमदादुल मुश्ताक पागल किसकी हो गया, किताब है? अरे, बबड़ा इमदादुल गया मुश्ताक है, किसकी बबड़ा किताब गया। है? ए कश्मीरी, सुनना मेरी बात, कश्मीरी मेरी बात सुन सुनो, बात, ये बताओ अहमद इमदादुल रजा तो मुश्ताक किसकी काफिर किताब बना है? दिया अच्छा, तुम्हारी अकीदे किताब कौन सी सबको। है? तुम बोल, बड़बड़ाओ पहले, अकीदे किताब बताओ कौन सी तुम्हारे। बात करना चाहते हो, हाँ, तुम्हारी अकीदे किताब बताओ कौन सी है, बात करना चाहते हो, अकीदे किताब बताओ तुम्हारी कौन सी है? झूठ बोलने वाले पे लानत है कि नहीं, बिल्कुल, अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत। तो अपने ऊपर लानत कर। तुमने कहा पहले मुझे नहीं मालूम तुम्हारा मसलक क्या है, इसका मेरी रिकॉर्डिंग सुन ली, पहले क्या कहा, मुझे नहीं मुझे सब मालूम कुछ तुम्हारा मालूम है, मजहब मगर मैं क्या है, अपनी मसलक रिकॉर्डिंग क्या में है। तुम्हारी बात लानती कहलाना हो, चाह रहा था ना, इसमें इकरार करो ना, कहलाना चाह रहा था इकरार इसमें मैं, ताकि करो, रिकॉर्डिंग में लोग ये जान लें कि देवबंदी कितने बड़े लानती और कितने बड़े जहन्नमी कुत्ते होते हैं। तुमने खुद इकरार कर लिया इस बात का कि शैतान और इबलीस इस बात का करो, तुम लानती मसलक हो, है ये, तुम्हें खुद, और तुमने खुद इकरार तुमने कर लिया इस खुद बात का। आज जो झूठ अरे, बोले तुमने वो खुद इकरार कर लानती, लिया। अपने मैंने ऊपर ये नहीं लानत कहा कि मैं नहीं करो, जानता, मैंने ये नहीं कहा कि अपने मैं जानता नहीं ऊपर तुम्हें, ऐसा अपने नहीं कहा मैंने। तारीफ झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहे हो तुम आई पे लाना था खुदा की। झूठ
मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मैं तुमसे जानना चाह रहा था कि इस पर रिकॉर्डिंग में हो जाए कि हाँ तुम देवबंदी हो। बच्चा है किसी बड़े को लेके आ? अरे मुझसे बात तो करो तुम, मैं बच्चा हूँ क्या हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा, बात करो बात। मुझसे ये बताओ तुम्हारी हफीजी किताब कौन सी है? तू लानती है कि नहीं है? तूने झूठ बोला, लानती तुम हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं जानता तुम्हें? मैं तो तुम्हें जानता हूँ, मगर मैं तुमसे कहलाना चाह रहा था इस रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग में कहलाना चाह रहा था ताकि आवाम को ये पता लगे कि देवबंदी कितने बड़े लानती है। अपना मतलब बता, क्यों डरते हैं? अब आपने अकीदे किताब बताओ, अपने अकीदे की अकीदे किताब बताओ, अपनी अकीदे किताब कौन सी? अरे बड़बड़ मत करो, अगर बात करनी उस तरीके से करो, अगर राय फरार तैयार करनी तो भागो। मैं तुझे साबित कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ तुम्हारी अकीदे किताब कौन सी है? अकीदे किताब? अरे कितने बड़े डरपोक हो तुम, कैसे गंदक में गंदे मसलक में पल्ला यार, अपने अकीदे किताब नहीं बता पा रहे? अरे अपने अकीदे किताब बताओ, तुम्हारी अकीदे किताब कौन सी है? तुम्हारी अकीदे किताब लानत तुम पर है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता तुम्हें। अहमद रजा पे लानत की, सब पे लानत कर दी, क्यों लानत सब पे अभी होगी? थानवी पे भी लानत तुमने कर दी, गंगोई पे भी लानत कर दी, जकरिया पे भी लानत कर दी, तुमने सबकी किताबों का इनकार किया, तुमने ये कहा कि ये किताबें हमारी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था। दूसरी बात, तुम कब्र पर तो हो, जहन्नमी हो। तीसरी बात, अरे तुम बड़बड़ करोगे, बात नहीं करोगे। मैं क्या बात का बात कर रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारी अकीदे किताब कौन सी है? क्या इमदादुल मुश्ताक तुम्हारी अकीदे किताब नहीं है? क्या इमदादुल मुश्ताक तुम्हारी अकीदे किताब नहीं है? क्या फजाइल अमाल तुम्हारे अकीदे किताब नहीं है? सवाने कासिमी तुम्हारे अकीदे किताब नहीं है? ये बताओ, इनकार करो, इनका हाँ करो। अरे ये किताबें तुम्हारे अकीदे की है कि नहीं है? अरे ये किताबें अकीदे की है नहीं है? अरे देवबंदी साहब, मैं तुमसे, अरे बच्चा हूँ मैं, धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारी, मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझे ये बताओ तुम्हारी अकीदे किताब है नहीं है? ये अरे इसकी बात बात न करना, पहले मुझे ये बताओ सामिन हजरात, देखिए ये देवबंदी पहले तो अपना मसला नहीं बता रहा था, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अकीदे की किताब कौन सी है? क्या इमदादुल मुश्ताक तुम्हारे अकीदे की किताब नहीं है? ए जाहिल, अरे जाहिल, अरे जाहिल, अरे इमदादुल मुश्ताक किसी किताब है? तुम्हारे अकीदे की नहीं है? फजाइल अहमद तुम्हारे अकीदे की किताब नहीं है? फतावा रशीदी अकीदे की किताब नहीं है? नहीं है, फतावे नहीं है? कौन सी तुम्हारी किताब अकीदे किताब कौन सी तुम्हारी? ये भी नहीं मालूम हमारे अकाल, बताओ कौन सी किताब है? हाँ बताओ, बताओ कौन सी? मैंने पहले ही कहा, अरे बताओ किताब कौन सी है अकीदे की? अरे बताओ, ये देवबंदी मर जाएगा मगर अकीदे किताब नहीं बताएगा, अकीदे किताब नहीं बताएगा, तेरी अकीदे किताब है कौन सी? बताओ अकीदे की किताब, पता कौन सी है? कौन सी अकीदे किताब? यहाँ की बात बड़बड़ करने से मसला हल नहीं होगा, बताओ अकीदे किताब। हाँ मसला ये है, फजाइल अमल किस आलिम देवबंदी ने कहा कि ये अकीदे की किताब है? तुम अपनी तरफ से गढ़ के झूठ बोल रहे हो, लानती अपने आप को साबित कर रहे हो। अच्छा हमारी गढ़ी हुई किताब वो? अरे तुम्हारे गढ़े हुए अल्फाज है कि अकीदे की किताब है? अच्छा किताब हमारी है, फजाइल अमल है, बिल्कुल है। हमने इमदादुल मुश्ताक, हमें कहा इमदादुल मुश्ताक की किताब नहीं है? इमदादुल मुश्ताक, इमदादुल मुश्ताक बात कर रहा हूँ ना, अरे इमदादुल मुश्ताक, इमदादुल मुश्ताक लानती तुम हो गए अभी साबित, और तुम ये राय फरार तैयार कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, बदकलामी करने लगे, तुम्हें बोलने का सलीका नहीं है, तुम्हें बोल भी किसी ने बना दिया? ईमान वाले का दावा किया था, शैतान बन के निकल रहे हो। शैतान तो तुमने इकरार कर लिया खुद अपने आप को पहले। ऐसा है तुमने झूठ बोला कि मुझे ये बताओ तुम्हारे, मैंने ये कहा है कि तुम्हारा मसला कौन सा है? मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। मुझे ये बताओ अकीदे किताब कौन सी है तुम्हारी? तुम्हारे अकीदे किताब कौन सी है ये बताओ? अरे कौन सी किताब है अकीदे की? अकीदे किताब बताओ। अरे लानती अकीदे किताब बताओ कौन सी है तुम्हारी? जहन्नमी कुत्ते, मुझे ये बता तुम्हारे अकीदे किताब कौन सी है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये तू इनकार कर दिया तूने, इसमें जो फजाइल अमाल फजाइल लिखे हुए हैं, ये फजाइल सब बेकार लिखे हैं तुम्हारे अकाबिरों ने? अरे फजाइल सब बेकार लिखे ये, अरे बड़बड़ कर रहा है जाहिल, बड़बड़ कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ किताब कौन सी है तुम्हारे अकीदे की, कौन सी किताब है? अबे लानती कुत्ते, जहन्नमी, सुअर, काफिर, मुझे ये बता तेरे अकीदे की किताब कौन सी है? अबे कौन सी किताब है तेरे अकीदे की, ये बता। तेरे अकीदे की किताब कौन सी है? अबे तेरा, तुम तो कब्र की मिट्टी खाने वाले हो, कब्र की मिट्टी चाट गए तुम। अबे तुम कब्र की मिट्टी चाटने वाले हो, तुम कब्र की मिट्टी चाटते हो। ये तो अपना अपना नसीब है कि किसी को अल्लाह ताला ने गोश्त का मुर्गा खिलाया, किसी को हलवा खिलाया, किसी को पूड़ियां खिलाई, और तुम्हें कौवा खिलाया, और तुम्हें इलियास कंधालवी की नानी के पोतले खिलाए, तुम इलियास कंधालवी की नानी के पोतले खाते हो, काला कौवा खाते हो। अबे मुझे ये बता जाहिल, बेदेव बंदर, काफिर, के तेरे अकीदे की किताब है कौन सी?
तेरे अकीदे किताब कौन सी ये बता मुझे, मैं चुप रहा हूँ। अकीदे किताब बता बता, अकीदे किताब बता तेरी कौन सी तेरी। चल मैं चुप रहा हूँ, अबे चुप रहा हूँ मैं। अकीदे किताब बता अपनी अकीदे की, तू अपने अकीदे किताब बता तेरी कौन सी है। देखिए सामने हजरात ये कैसी बड़बड़ कर रहा है, कहीं से कहीं भाग रहा है, और मैं इसके अकीदे किताब पूछ रहा हूँ। ये इतने गंदे मसलक में पढ़ रहा है, आप खुद सुन लें कि देवबंदी देवबंदियों का मसलक इतना गंदा है इनका कि ये खुद अपना मसलक बताते हुए भी डरते हैं। ये अपना मसलक नहीं बता रहा था मुझसे, हनफी हूँ मैं, हनफी हूँ मैं। अबे मुझे अपने अकीदे की बता, तेरे अकीदे की कौन सी है। मैंने सच कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदी नहीं है ना तू, तू देवबंदी नहीं है, देवबंदी नहीं है। हाँ तो अब क्यों कह रहा है कि मैं देवबंदी हूँ। अबे जाहिल तू, पक्का सुअर है तू, पक्का कुत्ते और सुअर से बदतर है, जैसे थानवी ने लिखा अपने ऐसे राष्ट्रपति सभाने में। अब मुझे ये बता कि तेरे अकीदे की कौन सी है, मुझे बता। अबे तेरे अकीदे की किताब कौन सी है जाहिल, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरे अकीदे की किताब कौन सी है ये बता दे मुझे। अल मोहम्मद अल मुफन्नत तेरे अकीदे की किताब है। अबे अल मोहम्मद अल मुफन्नत तेरे अकीदे की किताब है। अबे अल मोहम्मद है तेरी अकीदे की किताब नहीं। बिल्कुल है। अब सुन तेरे सुन, अब मेरी बात सुन, चुप मुंह बंद कर। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को क्या मानता है तू? क्या मानता? मुसलमान मानता हूँ। मुसलमान मानता है, और जो उसे काफिर कहे उसको हुक्म लगा चलेगा, जो उसे काफिर कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? जो मुसलमान को काफिर कहे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है उसके ऊपर गवाह है। मेरे कहने से क्या होगा? क्या होगा? इस हदीस नहीं पढ़ी है? हाँ तुम पढ़ के सुनाओ जरा। पढ़ के सुनाऊं क्यों? तू मेरा उस्ताद है। अरे अब उस्ताद ना, जरा रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसमें तेरा पता तो लगेगा कितने बड़े जाहिल होते हैं देवबंदी। तू पहले ये बात कर। चल हदीस पढ़ के मत सुना, तेरे याद नहीं है, मगर तू ये बता दे कि उस पर हुक्म क्या लगेगा जो मुसलमान को काफिर कहे। हुक्म मेरा वही है जो हमारे अकाइद की किताब के अंदर लिखा हुआ, जो मैंने पढ़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को, सुन ले, सुन मेरी बात सुन, पहले बड़ा मत कर। मैं ये पूछ सुना रहा हूँ, अरे मेरी बात सुन ले, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को काफिर कहे उसको हुक्म लगा क्या लगेगा? अरे सुनना, हाँ सुना सुना सुना। अकीदतुल्ताहविया के अंदर लिखा हुआ है हमारा ये। अब वहाँ मत जा, इस पे बता। अल मोहम्मद अल मुफन्नत तेरे अकीदे की किताब, तूने इकरार किया कि अकीदे की किताब है। मेरी किताब है अल मोहम्मद अल मुफन्नत, मेरी अकाइद की किताब है, मानता हूँ। हाँ तो अब मुझे बता, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को तूने कहा कि मुसलमान है वो? अब सुन अब भाग मत। अब तो मुझे ये बता कि जो उसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को काफिर कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? हो गई ना बात, अब मेरी बात। हमारे यहाँ जो किताब है अकाइद की, अल मोहम्मद अल मुफन्नद मानता हूँ। हमारे यहाँ जो अकाइद की किताब है वो अकीदतुल्ताहविया है, दोनों को मैं मानता हूँ, दोनों के उसूल तेरे सामने रख रहा हूँ। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, उसे छोड़ के अंदर लिखा हुआ, उसे तहाविया को छोड़, अल मोहम्मद अल मुफन्नद की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बता दे सिर्फ के जो मुसलमान को काफिर कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? उस पर क्या हुक्म लगेगा? ईमान उसे की तो तेरे। अरे मुझे ये बता दे सिर्फ, देख देवबंदी मत भाग, मुझसे सिर्फ ये बता दे कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को तूने कहा मुसलमान? सुन मेरी बात सुन पहले। अरे मेरी बात सुन, अब तो जो अब सुन जो, अरे सुन तो ले, सुन तो ले, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को काफिर कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा ये बता। मैंने कहा ना अकीदतुल्ताहविया के अंदर ये मसला लिखा हुआ है। अब वहाँ भाग रहा है। अरे अल मोहम्मद अल मुफन्नत तेरी नहीं है? अल मोहम्मद अल मुफन्नत हमारे से सवाल पूछे गए, हमने अकाइद जाहिर कर दिए, वो जाहिर कर दी ना। अब मुझे ये बता, तूने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को कहा मुसलमान? अब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन देवबंदी, मेरी बात सुन। तूने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को कहा मुसलमान? अब मैं ये पूछ रहा हूँ तुझसे, हाँ ना मैं जवाब दे मुझे कि मोहम्मद बिन अब्दुल, सुन ले मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। किसी के कहने से थोड़ी काफिर होता है तो फिर। अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे मैं ये तो पूछ रहा हूँ तुझसे, जो उसे काफिर कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, हम थोड़ी किसी के कहने पे उसके ऊपर भी कुफर का फतवा झाड़ देंगे। तो तू क्या जानता है, जो मुसलमान को काफिर कहे उसको हुक्म नहीं लगेगा? अबे जाहिल तू अभी हदीस सुना रहा था मुझे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहे और वो सामने वाला जिसे कहा जा रहा है अगर वो काफिर नहीं है तो कुफर कहने वाले की तरह पलटेगा? अरे कुफर कहने वाले की तरह पलटेगा नहीं पलटेगा ये बता, पलटेगा नहीं? जाहिल जो उनमें से काफिर होगा उसकी तरफ, अगर नहीं होगा तो दो कहने वाले की तरफ पलटेगा, पलटेगा नहीं। अब जो हाँ सुन, अब जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को काफिर कहे, अबे सुन तो ले, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को काफिर कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा ये बता, वो कुफर उसकी तरफ पलटेगा या नहीं पलटेगा? मैं कह रहा हूँ कि मैं उसे मुसलमान मानता, मेरी बात मुकम्मल सुनना फिर वहाँ से बोलना। सुना सुना, मैं उसे मुसलमान, तो चुप तो जाकर मेरी भी सुन लेकर, बड़बड़ कर रहे तू, कैसा मौलवी है तू? बात सुनेगा कि मैं मुझे बच्चा बता रहा था, थोड़ी धज्जी उड़ा दूंगा मैं, चल बोल मेरी बात मुकम्मल सुन फिर अपनी बात। बिल्कुल मुकम्मल सुना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल नजदी
अले रहमत को मैं मुसलमान मानता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरे बंदे ने उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया है, ये आपका कहना है, ठीक है। अच्छा, जिसने कुफर का फतवा लगाया उसके पास रीजन होंगे, उसके पास अपने रीजन होंगे कि उसने कुफर का फतवा क्यों लगाया, ठीक है ना। पहले वो रीजन बयान करेगा, फिर वो उसके ऊपर हुक्म लगाएगा। तू रीजन बयान नहीं कर रहा है और सीधे कुफर पे आ रहा है, कह रहा है कि हुक्म लगा। मैंने कहा पहले वो बयान कर जिसके बुनियाद पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल नजद को किसी ने काफिर कहा, पहले वो चीजें तो बयान कर। आप सुनो मेरी बात, उसके फिर मेरी बात हो गई, हुक्म लगाऊंगा। अब तेरी बात हो गई, बोलो। अब जैसे जैसे मैंने सुनी वैसे सुन ले मेरी, तू इसी अल मोहन्नद अल मुफन्नद में तेरे खलील अहमद अभेटवी से जब उलमाए हरमैन शरीफैन ने पूछा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, तो उसने कहा कि जो साहिब दुर्रे मुख्तार का, अब साहिब दुर्रे मुख्तार का अकीदा क्या है उसके लिए कि वो बागी इस्लाम था और वाजिबुल कत्ल था। अब ये बता कि तेरे फतवे से खलील अहमद अभेटवी कौन हुआ, खलील अहमद अभेटवी ने उसे वाजिबुल कत्ल माना, ये बता तू मुझे। जवाब दे इसका, हो गई ना मैं दूसरा भी लूंगा, दूसरा भी बताऊंगा तुझे, दूसरा भी बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा। अच्छा, जवाब दे, एक मिनट, पहले से जवाब दे, एक मिनट, जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट, मुझे एक बात बता। तू मान रहा है कि उलमा फरमैन शरीफैन ने उनसे सवाल पूछे, मान रहा है इकरार कर रहा है। अरे सवाल, ये सवाल पूछा ना, और तो सवाल तुम लिख के ले गए, ये सवाल पूछा था, रुको, ये सवाल पूछा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है, तो उन्होंने कहा कि जो साहिब दुर्रे मुख्तार का, अब जब साहिब दुर्रे मुख्तार का अकीदा ये है कि वो बागी इस्लाम था, वाजिबुल कत्ल था, तो तुम्हारा अकीदा क्या हुआ, और तू कह रहा है उसे मुसलमान, तो तेरे कहने से मुसलमान कैसे होगा। अब ये बता, खलील अहमद अम्बेट भी काफिर हुआ, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी काफिर हुआ, ये बता। बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो पूछा है, बोल बोल। मैंने कहा तू मानता है कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने उलमाए देवबंद से सवाल पूछे, ये सवाल पूछा या ना, ये सवाल पूछा, ये मत बोल, ये बाकी मत तो तुम्हारे गढ़ को ले गए, हमारे जैसे गढ़ के सब, तुमने सब गढ़ झूठ गढ़ा उसमें, किताब में जब किताब हमारे जैसे झूठ गढ़े हैं तुमने, सब हमारे अकाइद पेश किए उसमें, ना बन मेरे भाई। ये एक सवाल तुमसे इसीलिए पूछा था उन्होंने कि मैं आपको दोस्त, उन्हें आप पर शक था। मैं आपको दोस्ताना मशवरा देता हूँ, इसका जवाब दे पहले मुझे, तू इसका जवाब दे सीधा, और दूसरा सुन अच्छा, दूसरा सुन, शिहाबुस साकी में तेरा हुसैन अहमद तांडवी लिख रहा है कि भाइयों ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक 13वीं सदी में पैदा हुआ और ये बागी इस्लाम था, वाजिबुल कत्ल था। अब ये बता, हुसैन अहमद तांडवी काफिर है या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक काफिर है या तू काफिर है, ये बता। अरे भैया, मैंने पहले सवाल का, मैं तेरा भैया नहीं हूँ, तू दोस्त की है, मैं मुसलमान हूँ, तू जहन्नमी है। देखो फिर से बड़ी बड़बड़ बात, इसका जवाब दे मुझे, हुसैन अहमद तांडवी का जवाब दे। भागना मत, तू फंस गया, अब तू फंसा हुआ है नहीं, अब भाग रहा है, कौन भाग रहा, तू मुझे ये बता, हुसैन अहमद तांडवी का जवाब दे और खलील अहमद अभेटवी जहन्नमी का जवाब दे, इनमें बता कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। दो मिनट जवाब दे, जवाब दे। तू अपनी तरफ से शोर करके अपनी आवाम को मुतमईन करना चाहता है, देखो जी मैंने अबू माविया, अरे तू जवाब तो दे, तू राय फरार क्यों उफ्तान कर रहा है फिर, क्योंकि उससे बड़े बड़े मुनाजिर लग रहे हैं। चल मैं चुप हूँ, तू जवाब दे, चल तेरा मुनाजिरा मैंने देख लिया, कितना बड़ा मुनाजिर है, तू अपने अकाबिरों की सब किताबों को तूने ठुकरा दिया। मैंने तुमसे मुनाजिरा किया, पहली शर्त है मुनाजिरे के अंदर की दोनों की इल्मी सलाहियत कामन होनी चाहिए। तूने अपने अकाबिरों की सारी किताबों को ठुकरा दिया, तेरी और मेरी कोई है, तेरे अकाबिरों ने जो इमदादुल मुश्ताक में, फजाइल अमाल में और इसमें फतावा रशीदिया में अकाइद बयान किए हैं, उन्हें नहीं मानता तू? मैंने तुझसे पूछा क्योंकि उन्हें नहीं मानता, अहमद रजा से लेकर ये तेरे काफिर थे सब, अरे काफिर थे सब, जिन्होंने कुफर में लिखी थी सभी किताबें। अब इसका जवाब दे मुझे, राय भरे अख्तियार मत कर, इसका जवाब दे, जवाब दे इसका, दे रहा हूँ तुमने जवाब दे, से लेकर आज तक के तमाम उलमा के ऊपर ला, तेरे चार अकाबिरों पे जो कुफर का फतवा लगा हुआ है, हमारे पास फतवा है और तेरे अकाबिरों ने मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को मुसलमान माना है, तेरे मंजूर, तेरे मुर्तजा हसन दरभंगी ने तो यहाँ तक कहा है कि अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर उलमा देवबंद पर कुफर का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते, और तेरे तकी उस्मानी ने कहा है कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी जैसा हमने मुहक्किक और मुजद्दिद नहीं देखा, जो इल्मी सलाहियत उनके पास थी वो किसी के पास नहीं है, ये तेरे तकी उस्मानी ने माना है। अब तू इसका जवाब दे मुझे, राय बना रहे तैयार मत कर, इसका जवाब दे, इसका जल्दी से इसका जवाब दे, इसका मुझे इजाजत मत भाग, तू फरार, राय बना रहे कर रहा है, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे मुझे, फरार कर रहा है, कौन फरार तू कर रहा है, तू इसका जवाब दे मुझे, हुसैन अहमद तांडवी का जवाब दे, उसका दे खलील अहमद अम्बेटवी का,
तुमने, मैंने कहा तू लानती है, तू वहाँ से भागा, अब तू लानती है, तू लानती है, मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तुझे कुरान पढ़ा है, मेरे तेरे सामने कुरान पढ़ा, मैंने अपनी बात नहीं कही, अल्लाह की बात की, जिसको हम मानते हैं, तुम लोग नहीं मानते हो, तुम्हारे यहाँ तो चीजा तुम मानते हो कुरान को, अरे कुरान को मानते हो, चलता है, अरे कुरान को मानते हो, है कुरान को मानते हो, अबे जाहिल तेरा मौलवी कुतुब आलम जिसे तुम रशीद अहमद गंगोली कुतुब आलम कहते हो, वो तो कहता है कि तकवीतुल ईमान को रखना, इसे पढ़ना, इस पर अमल करना आइन इस्लाम है, तुम्हारे लिए तो आइन इस्लाम वो किताब है, तुम कुरान का आइन इस्लाम तुम्हारे लिखा होगा, अरे तुम्हारे लिए लिखा तेरे फतावा रशीदिया में, फतावा रशीदिया में तेरे रशीद अहमद गंगोई ने लिखा है, किसी ने सवाल किया कि तकवीतुल ईमान को पढ़ना, इसे रखना, इस पर अमल करना कैसा है, तो उसने कहा जाहिल ने, उस जहन्नमी ने कहा कि इसे पढ़ना, इस पर अमल करना और इसे घर में रखना आइन इस्लाम है, अबे आइन इस्लाम है, अबे तेरे तेरे लिए तो किताब तकवीतुल ईमान आइन इस्लाम है, तुम्हारा कुरान से का मतलब है, राय फराज अख्तियार मत कर, अब तकवीतुल ईमान तेरी, अरे तकवीतुल ईमान को नहीं मानता, तकवीतुल ईमान को नहीं मानता, तू तू नहीं मानता, तू भाग रहा है, तू भाग रहा है, तू कुरान पे कह रहा है ना कि हमारा ईमान इस पे, तेरा ईमान कहाँ है, तेरा ईमान तो तकवीतुल ईमान पे है, अरे तेरे कुतुब आलम ने तकवीतुल ईमान को आइन इस्लाम बताया है, अरे तुम्हारे लिए कहा होगा ना, अरे हमारे लिए, तेरे तेरे आवाम के लिए, तेरे आवाम ने पूछा किसी ने, हम कहते हम तो तुम्हें काफिर मानते हैं, हम तुम्हारी बात को अमल कहाँ कर लेंगे, अबे हम तो तुम्हें काफिर मानते हैं, हम तुमसे सवाल कैसे करेंगे, हम तो तुमसे वो सवाल करते हैं जो तुमने कुफिर किए हैं, अब मुझे इसका जवाब दे कि तेरा हुसैन अहमद टांडवी और तेरा खलील अहमद अम्बेठी भी काफिर हुए कि मोहम्मद तेरा ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक काफिर हुआ, जवाब दे, जवाब दे रहा, जवाब दे रहा हूँ, इतमान से, इतना इजाजत मत भाग, जिसने अब नहीं भागूंगा, नहीं ना आज तक भागा हूँ ना कभी भागूंगा, चल चल जवाब दे, गैरत, गैरत वाला खून अंदर है, बेगैरती का खून नहीं है कि शोर करके लोगों को सुनाऊं, तेरी बेगैरती सब दिखाई दे रही, चल सुन ना, सुन 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 मेरी बात, तुम तेरी लग बता तेरी हवा खराब हो रही, अच्छा ये बता तू, तूने दावा किया कि तुम अहले सुन्नत हो, तुमने दावा किया, हाँ हाँ किया ना, कहो ना, हम अहले सुन्नत हैं, क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत हनफी बरेलवी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हाँ जजाक अल्लाह, अब अहले सुन्नत पे ही टिके रहना, खुदा तुम्हें अहले सुन्नत बनाए, हम बदुआ उधर मत जा, हम दावत उधर मत जा, पहले इसका जवाब दे, पहले इसका जवाब दे मुझे इसका, ये तेरा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक काफिर हुआ, या हुसैन अहमद टांडवी काफी हुआ, या खलील अहमद अम्बेठी भी काफी हुआ, तुझे लगा कि फंस गया, तुझे लगा तो फंस गया, इसलिए जवाब तो दे इसका, मजा आ जाएगा, हाँ सुना सुना सुना, आएगा तो आराम से, सुना तुमने कहा कि तुम अहले सुन्नत हो, यानी तुम्हारा अहमद रजा खान आप से लेकर आज तक तमाम अहले सुन्नत है, ये तुम्हारा दावा है, किसे कहा मैंने, महल में मान, किसे कहा मैंने, अबे किसे कहा, किसे कहा अहले सुन्नत, कहा मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं हूँ मैं, मैं अपने आपको कह रहा हूँ, अरे भाई वही कह रहा हूँ ना, मैंने कहा तुम अहमद रजा खान साहब के मानने वाले हो, तो अहमद रजा खान अब इधर भागने लगा, फिर तू तू देवबंदी राय फराज अख्तियार करेगा, तेरे बस की बात नहीं, जवाब दे दे, तू तू जवाब ही नहीं दे रहा, तू इधर अगर क्यों भाग रहा, मेरे मेरे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के तजवे क्यों चढ़ रहा है तू, अभी तू अपने बात का तो जवाब दे, मतलब चाटने मत जावे, पहले मुझे ये बता कि तेरे इसने बागी इस्लाम लिखा है, वाजिबुल कतल लिखा है, तेरे हुसैन अहमद टांडवी ने बागी इस्लाम लिखा है, वाजिबुल कतल लिखा है, तो इसका जवाब दे मुझे, तू इधर क्यों भाग रहा है, देवबंदर जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा है, इसका जवाब दे, मेरे आला हजरत के तलवे में चाटे तू, अभी इस काबिल नहीं है तलवे चाटने काबिल, वहाँ तबलीग चाटेगा तो पहले मेरे हाथ से तौबा करेगा, पहले मेरे हाथ से तौबा कर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, ने फोन किया मैंने उठाया, उन्होंने फोन पकड़ा और पहले कलमा पढ़ के मुसलमान बन, तब आला हजरत फाजिल बरेलवी की चौखट चूमना, अभी मैं चूमे पहले इसका जवाब दे मुझे, अरे अरे तू इसे छोड़, वो तो तेरे अकाबिर जानते हैं क्या थे, तेरे अकाबिरों ने मुसलमान माना है, 70 हवाले तुझे दे सकता हूँ मैं, 70 तेरे अकाबिरों के, तेरे अकाबिरों के 70 हवाले नहीं मांगा, अबे 70 हवाले तेरे अकाबिरों के दे सकता हूँ, तेरे अकाबिरों ने मुसलमान माना है, मुजद्दिद माना है और इल्म का लोहा माना है, तेरे तकलीफ मानी है, किसने माना है, किसने बोल, सुनेगा हवाले, हवाले सुनाओ तुझे, सुनेगा माना होगा, अरे हवाले सुनाओ तुझे, सुनेगा हवाले सुनाओ, तेरे अकाबिरों ने जिन्हें तुम अकाबिर मानते हो अपना, उन्होंने मुसलमान माना, आप तो मुझे उसका जवाब दे, इधर आदमत भागे, देखिए सामाई नजरात, मैंने इस पर जो सवाल कायम किया है उसका जवाब नहीं दे रहा देवबंदी, क्योंकि देवबंदी फंस गया है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को नजदीक को इसने कहा मुसलमान, और इसके दो बड़े अकाबिर उसे मानते हैं काफिर, अब ये फंस गया तो अब इधर भागने लगा, देखिए राय फराज अख्तियार करने लगा, अब ये कहीं कहीं भाग रहा है, देवबंदी तू जवाब नहीं दे पाएगा, कयामत आ जाएगी, तेरे बस की बात नहीं है, जवाब दे दे, तू अपने दो को काफिर बना के छोड़ेगा, इसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जो काफिर बना गई बता, देखिए सामने नजर आती है, राय फराज अख्तियार करने लगा, ये औकात है इनकी, कौन सा राय फराज मेरा, तू मुझे इसका जवाब दे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक काफिर था या ये तेरे दोनों मौलवी काफिर थे, ये बता, जवाब दे रहा हूँ, सुन हाँ दे जवाब, कहा जवाब दे रहा है, तू यहाँ से भागने लगे, नहीं चल रहा है,
तेरा और मेरा मुजरा नहीं, मुबासा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तो अरे ये इसका जवाब तू मुझसे ही कह रहा था ना शुरू में कि तू बच्चा है, मुझे इसका जवाब तो दे। तू सवाल किया, तुझे उल्टा टांगूंगा, उल्टा जो साई लोग तुझे उल्टा टांगूंगा मैं, उल्टा और तेरी धज्जी उड़ाऊंगा मैं। तू अभी मुझे जानता नहीं है, चल इसका जवाब दे। जानता नहीं है तू क्या सीधा है? अरे इसका जवाब तो दे तू मुझे। तेरे बड़े बड़े उल्लूमा जो है ना देवबंद वाले, तेरे बड़े बड़े जो उल्लूमा है ना उनकी धोती बन जाती है मुझे मेरा नाम सुनते ही। तू इसका जवाब दे मुझे, इसका जवाब दे। अबे इसका जवाब तो दे तू मुझे। तेरा खलील अहमद अम्भेटी भी काफिर हुआ या तेरा हुसैन अहमद टांडवी काफिर हुआ या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी काफिर हुआ, ये बता। अब बदतमीजी पर आ गया, बदकलामी पर आ गया तू। देखिए सामने हजरात, ये देवबंदी अब बदकलामी पर आ गया। इसके बस की बात नहीं है जो जवाब दे दो, ये दे भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना बुरा फंस गया है ये कि इधर अगर गिरता है तो खाई है, इधर गिरता है तो कुआ है। इसके दो अकाबिर फंसे हुए हैं, इसके दो अकाबिरों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को माना है काफिर और इसने कहा है कि वो मुसलमान था रहमतुल्लाह ताला अलैहि लानत लानती कह रहा है ये। तो इसके फतवे से दोनों तरफ फंसा हुआ है ये, किसको मुसलमान कहे अभी? तू कयामत आ सकती है लेकिन तू जवाब नहीं देगा, तू राय फरार इख्तियार करेगा इधर बात के, तू बदकलामी करने लगा, तेरे बस की बात नहीं है। चलिए सद्दाम इनका इसका फोन काटो, इसके बस की बात नहीं है, इसका काम हो चुका, ये गाली गलौज करेगा। सद्दाम इसका फोन काटो, अरे तू इसको किसने माना, किसने माना? देखिए सामने हजरात, ये था देवबंदी, अब ये गाली गलौज करने लगा, इसके बस की बात नहीं जो जवाब दे दी क्योंकि ये फंस गया है। इसके अकाबिरों ने खलील अहमद अम्भेटवी ने अल मोहन्नद अल मुफन्नद में उसे बागी इस्लाम और वाजिबुल कत्ल लिखा है और इसका एक मौलवी हुसैन अहमद टांडवी ने अशहाबुस साकिम में उसे बागी इस्लाम और वाजिबुल कत्ल लिखा है, जिसको ये रहमतुल्लाह ताला अलैहि कह रहा था माजल्ला सुमा माजल्ला। और इसके कई और भी अकाबिरों ने उसे बागी इस्लाम माना है। तो ये है इन देवबंदियों की हकीकत। पहले तो आपने ये देख लिया कि अपना ये अकीदा बताते हुए, अपना मसलक बताते हुए कितना घबरा रहा था, इसने अपना अकीदा मसलक नहीं बताया। ये इनकी औकात है देवबंदियों की। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग इन लोगों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, ये दीन के लुटेरे हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कुरान को कहते हैं कि आप कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान से कोई मोहब्बत नहीं है इनकी, बल्कि इन्हें मोहब्बत है तकवियतुल ईमान से, क्योंकि तकवियतुल ईमान के बारे में इनका जो खुतब आलम जिसे कहते हैं रशीद अहमद गंदगोही लूती, वो लिख गया है कि ये आयन इस्लाम किताब है। तो जितना तकवियतुल ईमान को मानते हैं ये, उतना माजल्ला ये कुरान को नहीं मानते हैं। कुरान को तो ये कहते हैं कि इसमें आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बगैर आउज़बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के पढ़ लो तब भी कोई बात नहीं। इतने बड़े खबीस मर्दूस शैतान कज़्ज़ाब आज़म है ये।